हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर एचसीएफ एंड एलसीएम। अभी हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लोग फैक्टर देख रहे थे और यहाँ पर हम लोग मल्टीपल्स देख रहे हैं, जो सबसे छोटा मल्टीपल हो। देखते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 7। इसमें काफी वेरियस मेथड्स है, उसमें से फर्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग। 6 एंड 7 का अपने को एलसीएम निकालने का है। हम लोग लिखेंगे पहले मल्टीपल्स ऑफ 6 के मल्टीपल्स, मतलब अपने को टेबल्स लिखने हैं। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42। लेट्स राइट इट हियर ओनली। अगली बार देखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 7 निकालते हैं। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। इसको और एक नंबर आगे ले लेते हैं, 6 8 48। हम लोगों को इन दोनों में कंपेयर करना है। अभी कॉमन कौन आ रहा है, सबसे पहले कॉमन कौन आ रहा है। सबसे पहले कॉमन हमारा 42 नंबर आता है और इधर भी 42 है, इसलिए हम लोग बोलेंगे एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 इज 42। तो सबसे पहले कॉमन आएगा, वहां तक आपको टेबल्स लिखने हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग सेकंड मेथड। 60 एंड 48 का एलसीएम निकालते हैं हम लोग। जैसे हमने एचसीएफ निकाला है उसी तरीके से हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। 60 के फैक्टराइज हमने किए थे, एचसीएफ में भी हमने यही सीखा था फैक्टराइज करना, वैसे एलसीएम में भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 2 3 2 30, 2 15, 3 5 एंड 5 1। 48 लेते हैं, 2 2 4, 2 4 8, 2 12, 2 6, 2 3 एंड 3 1। इसके बाद हम इसके कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। 60 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। 48 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, अगेन 2 एंड 1 टाइम 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, हम लोग देखते हैं अभी कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं इन दोनों में। जो दोनों में कॉमन है वो अंडरलाइन करेंगे। अगेन 2 है, एक बार 3 है। ओके, तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन है अपने पास, 2 × 2 × 3। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 2 2 4 4 3 12। सो वी विल राइट हियर 12। After that, यहां तक तो हम लोग HCF में कर रहे थे। इसके बाद एक अगेन स्टेप लेनी पड़ेगी हम लोगों को, जो फैक्टर्स कॉमन नहीं है। सो वी विल राइट एज अनकॉमन फैक्टर्स। अनकॉमन फैक्टर्स मतलब जो अभी फैक्टर्स बच गए हैं, जो दोनों में कॉमन नहीं है। तो एक 5 बचा है इस लाइन में, इस लाइन में एक 2 बचा है और एक बार 2 बचा है। इनको सर्कल कर लिया, मतलब वो फोकस हो जाएंगे। अभी हम लोग लिखते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। हाउ मच इट गिव्स, 5 2 10 एंड 10 2 20। देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स। ओके, कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 12। अनकॉमन का कितना है, 20। ओके, सो वी विल राइट हियर 12 2 24 एंड 1 0। एलसीएम इसका आया है 240। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 60 एंड 48 इज 240। इसका मीनिंग ये होता है, अगर हमने 60 का टेबल बनाया और 48 का भी टेबल लिखा, मतलब उनके मल्टीपल्स अगर लिखे, तो दोनों टेबल्स में
फर्स्ट टाइम कॉमन आने वाला नंबर 240 होगा. लेट्स मूव ऑन. प्रॉब्लम सेट 13 पेज नंबर 24 का फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग. फाइंड द एलसीएम, सॉरी सेवेंथ प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग. 105 एंड 195, इसका आपको एलसीएम निकालना है. अभी जिस मेथड से किया हम उसी मेथड से करेंगे. 105 इसके फैक्टर्स निकालेंगे. 5 इज हियर, सो हम लोग 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं या 5 प्लस 1 6 होता है, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं हम लोग इसको. सपोज वी विल डिवाइड इट बाय 3, 3 3 इज 9, 1 कैरी ओवर, 3 5 इज 15. अगेन 5 प्लस 3 8, मतलब 3 से नहीं होगा, 5, 5 7 इज 35 एंड 7 1 इज 7. So factors of 105 are 3 multiplied by 5 multiplied by 7. Now we will find the factors of 195. 9 plus 1 10, 10 plus 5 15, means it will be divisible by 3. 3 6 is 18, 1 carry over, 3 5 is 15. 6 plus 5 11, 3 se divide nahi hota hai. Now hum log isko 5 unit desperately 5 se divide karte hai. 5 1 5, 5 3 is 15. 13 is a prime number, so we will not check for any other prime number. 13 is itself is a prime number. Okay, then 13 ones are 13. We will write the factors of 105 as 105 ke factors kaun kaun se, 3 multiplied by 5 multiplied by 7. 3 multiplied by 5 multiplied by 7. 195 ke factors, 3 multiplied by 5 मल्टीप्लाइड बाय 13. ओके, इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, इसके कॉमन फैक्टर्स देखने के हैं. इन दोनों में भी कॉमन कौन आ रहा है, ये आ रहा है 3 और 5 आ रहा है. जो कॉमन है वो एक ही बार उतारेंगे हम लोग. 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज हाउ मच, 15. इसके बाद हम लोगों को अनकॉमन फैक्टर्स देखने के हैं. अनकॉमन फैक्टर्स अभी कौन कौन बचे हैं उनको हम लोग सर्कल कर लेंगे. इस लाइन में ओनली 7 इज रिमेनिंग एंड हियर ओनली 13 इज रिमेनिंग, सो वी विल राइट इट हियर एज 7 मल्टीप्लाइड बाय 13. 7 मल्टीप्लाइड बाय 13 मीन्स 91. नाउ वी विल फाइंड द एलसीएम. एलसीएम का क्या फॉर्मूला है, कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन. सो वी विल राइट इज एज कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स. हियर वी विल राइट 1515 एंड अनकॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय 91. वी विल फाइंड द मल्टीप्लीकेशन हाउ मच इट इज. 15 वन्स आर 15, 1 कैरी ओवर, 15 नाइन्स आर 135 एंड 135 and 1136. So it will come as 1365. We will take next problem. It is on the same page, page number 24, problem set 13. We will take 9th problem, 63 and 81. Same method se hum log fir se ek bar try karte hain. 63 ka factors nikalte hain. It is divisible by 3. 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 7s are 21, 7 1s are 7. After that 81, 8 plus 1 9, means it will be divisible by 3. 3 2s are 6, 2 carry over, 3 7s are 21, 3 9s are 27 and then 3 3s are 9 and 3 1s are 3. We will write factors of 63 as 3 multiplied by 3 multiplied by 7. And we will write factors of 81 as 3 multiplied by 3 multiplied by 3 and multiplied by 3. 4 times. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. 4 times 3. Now we will find out common factors. Common factors is mein kaun kaun hai? 3 or 3. Do baar aa rahe hai, toh dono baar le liye. Yahan par 7 hai aur yahan 7 nahi hai. Okay. Toh common factors kaun kaun se hai? 3 ek baar और दूसरी बार फिर से 3. उसके बाद अनकॉमन फैक्टर्स वी विल सर्कल इट. 7 3 एंड 3 7 3
come as 3 3s are 9 and it is 7 3s are 21. 21 multiplied by 3 means 3 1s are 3, 3 2s are 6. 63. So LCM, common factors multiplied by uncommon factors. कॉमन फैक्टर्स कौन है? 9 कॉमन फैक्टर है और ये है 63. सो 9 3 जा 27, 2 कैरी ओवर, 9 6 जा 54 एंड 52 इज 56. सो एलसीएम ऑफ 63 एंड 81 इज 567. हम लोग थर्ड मेथड देखते हैं जिसमें हमने सेवेंथ प्रॉब्लम लिया है. LCM आपको फाइंड आउट करना है 12, 15 एंड 45 का. ओके, सो वी विल राइट हियर 12, हियर वी विल राइट एज 15 एंड हियर वी विल राइट एज 45. ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है, एक नंबर है जो तीनों को भी डिवाइड कर सके? तो 2 प्लस 1 3, मींस ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 है 15, ये भी 3 से डिवाइड होगा और 5 प्लस 4 9 होता है, इसलिए ये भी 3 से डिवाइड होगा. इसलिए हम लोग कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं. सो हियर विल बी 3 4 इज 12, then 3 5s are 15, then 3 1s are 3 and 3 5s are 15. अब तीनों नंबर्स को कोई ऐसा कोई नंबर है जो तीनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड कर सके? यहाँ 4 है, यहाँ 5, यहाँ 15, तो ये दोनों को तो 5 से होता है लेकिन इसको 5 से नहीं होता है. सो हम लोग क्या करेंगे, इसको कम करने की पहले कोशिश करते हैं. तो इसको हम लोग डिवाइड करने के लिए प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं. अब इसको डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर है 2. So, यहां हम लोग 2 लिखेंगे. इसको डिवाइड करने से 2 2 जा 4, सो वी विल राइट हियर 2. लेकिन ये 2 से ये दोनों नंबर्स डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनको एज इट इज कॉपी करना है. क्या करना है उनको? एज इट इज कॉपी करना है. ओके, अभी यहां पर 2 आ गया है, फिर से हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं. तो 2 1 जा 2 हो गया, एज इट इज इसको कॉपी डाउन करने का है. इसके बाद यहां 1 आ गया. ओके, अब ये दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है कॉमन नंबर? सो 5 डिवाइड करता है. सो वी विल राइट हियर 5. अभी इसको ये 1 ऐसे ही आएगा, ये नीचे उतरेगा. 5 1 जा 5 मतलब ये 1 आएगा, 5 हाउ मच जा 15, 5 3 जा 15. ओके, अभी इसको और आगे लेते हैं. अब बच गया है ये 3 ओनली, सो वी विल राइट हियर 3. ये 1, ये 1 और 3 1 जा 3. जब हम लोग को एलसीएम निकालना होता है तो यहाँ पर हम लोग 1 लाने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर 1 अगर आ गया तो आपको स्टॉप कर देना है और ध्यान में रखना है यहाँ हम लोग धीरे धीरे 1 लाने की एक एक कॉलम में कोशिश करेंगे जब तक अगर हम लोग को कॉमन कुछ तीनों में नहीं मिल रहा होगा और जिससे डिवाइड नहीं जा रहा होगा उसको एज इट इज कॉपी डाउन करने का है. तो डायरेक्ट हमारा एलसीएम, ये जो नंबर्स है ये सारे हमारे कॉमन फैक्टर्स. सो वी विल राइट एज कॉमन एंड अनकॉमन बोथ है यहाँ पर. 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अगेन, देन मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3. 3 2 2 3 2 2 5 एंड 3. ओके, करेक्ट है. अभी इसका मल्टीप्लीकेशन करना है. हमेशा ध्यान में रखिए 5 और 2 की जोड़ी ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश कीजिए. तो 5 2 जा हो गया ये 10, 10 3 जा हो गया 30, 30 2 जा हो गया 60 एंड 60 3 जा हो गया 180. So we will write here 180. So LCM of 12, 15 and 45 is 180. तो हमने थर्ड मेथड पढ़ी थी, अगर वो हम लोग LCM फाइंड आउट करते वक्त प्रिफर करेंगे तो काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि वन गो में ही हम लोग LCM निकाल ले सकते हैं. और जब आप जैसे जैसे नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे 8, 9, 10th में वगैरह, तो मैक्सिमम टाइम हम लोग थर्ड मेथड जो हमने एक साथ सारे नंबर्स लिए वही यूज करते हैं. तो उसके लिए आपने इसी मेथड पर फोकस करना चाहिए. थर्ड मेथड इसलिए नहीं है कि वहां 3 नंबर्स थे, आप 2 नंबर्स होंगे तो भी ये थर्ड मेथड आप यूज कर सकते हो. सपोज अगर यहाँ पर मेरे पास 21 है और है सपोज 32, सॉरी 33 कर देते हैं इसको. इसके लिए भी हम लोग अगर एलसीएम निकालना हो तो ये वाली मेथड से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं. 3 से दोनों को डिवाइड हो रहा है, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 अगेन. अभी इसको 7 को कम करना है, तो 7 1 जा 7, 11 एज इट इज डाउन आएगा, यहाँ पर आएगा अभी 11, 1 एंड 1. LCM ऑफ 23 एंड 21 एंड 33 इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय
जो थर्ड मेथड थी वो दो नंबर्स होंगे तब भी हम लोग कर सकते हैं, तीन मेथड्स होंगे, तीन नंबर्स होंगे हमारे पास तब भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम हमने ये मेथड प्रीफर करनी चाहिए। हम लोग एक नया कंसेप्ट देखेंगे। हमने दोनों कंप्लीट किए हैं अपने HCF एंड LCM, दोनों कंसेप्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अभी दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के कोई एक फॉर्मूला बनता है, देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। मीन्स जब हम लोग कोई दो नंबर लेकर HCF निकालते हैं या LCM निकालते हैं तो वो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट और HCF और LCM का प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है। सो वी विल टेक एन एग्जांपल 63 एंड 81। 63 कॉमन मल्टीपल मेथड से 63 एंड 81। 6 प्लस 3 9, 81 प्लस 9 3 से दोनों को डिवाइड जाता है इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड लेफ्ट ओवर 2 तो 3 7 जा 21। अगेन 3 से डिवाइड होगा 3 7 जा एंड 3 9 जा। उसके बाद है यहां तक अगर हम लोग करेंगे तो हमारा HCF निकल जाएगा। ये HCF के लिए हम लोग 3x3 का यूज करते हैं और जो कुछ यहाँ बज रहा है ये हमारा LCM के यूज में काम आता है क्योंकि इन दोनों में अभी कोई भी कॉमन नंबर्स नहीं बचा है। सो वी विल राइट HCF एज 3x3। जो ये नंबर्स है ये हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है, ये दोनों को डिवाइड करने वाले ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है इसलिए ये दोनों हमारे HCF में यूज आएंगे। और जब हम लोग ये पूरा ऐसे L करके हम लोग लेंगे तो वो LCM में यूज आएंगे। LCM अब कौन कौन रहेगा, 3 3 7 9, 3 3 7 9, 3 3 9, 9 9 81, 81 इंटू 7 8 7 56 567, और ये होता है 3 3 9। अब देखते हैं हम लोग जब हम लोग LCM और HCF का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है। HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM, अपने पास नंबर्स क्या है, HCF कितना है अपना 9 मल्टीप्लाइड बाय 567। 567 इंटू 9 हाउ मच, 9 7 63, 6 कैरी ओवर, 9 6 54, 54 प्लस 6 6 कैरी ओवर, 9 5 45, 45 प्लस 6 51। ओके अभी हम लोग देखते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF एंड LCM। राइट साइड जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये लेफ्ट साइड क्या है, तो देखते हैं 63 मल्टीप्लाइड बाय 81, 63 मल्टीप्लाइड बाय 81 कितना होता है, 61 multiplied by 63, 3 1 3, 8 3 is 24, 0 6 1 6 and 6 is 48, 3 10 11 5, ये भी 5103 आ रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। सेट 13 में जो सेकेंड एग्जाम सेकेंड क्वेश्चन है वो है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द गिवन नंबर्स बिलो, वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन प्राइम नंबर्स। तो सेम थिंग आपको यहाँ पर भी करनी है। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM वो आपको यहाँ पर प्रूव करके बताना है। वी विल टेक द थर्ड प्रॉब्लम 15 और 60 का। अभी हम लोग इसका
एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे. 5 + 1 = 6 एंड 6 + 0 इज ऑल्सो 6. तो दोनों भी नंबर्स 3 से डिवाइड हो रहे हैं. अगेन 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6 एंड 1 = 0. अब ये दो नंबर्स को कौन नंबर डिवाइड कर रहे हैं? प्राइम नंबर 5. सो वी विल राइट हियर 5. 5 × 5 = 5 एंड 5 × 4 = 20. ये दोनों में कोई कॉमन है क्या? नहीं है. देन वी विल स्टॉप हियर. ओके, तो एचसीएफ लिखते वक्त किसके तरफ ध्यान देना है आपको? एचसीएफ देखते वक्त सिर्फ ये वाले जो कॉमन है, तो 3 × 5. ओके, अब एलसीएम देखते वक्त ये एल लेने का है आपको. सो एलसीएम इज इक्वल टू 3 × 5, मतलब ये सेम नंबर्स एचसीएफ वाले आएंगे और ये 1 × 4. So, how much? It is 5 × 3 = 15 and 15 × 4 = 60. 61 is also 60. Okay. HCF कितना आ रहा है? 5 × 3 = 50. इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं कितना आता है. HCF multiplied by LCM is equal to 15 × 60. 15 × 6 = 90. Okay. 15 × 6 = 90. और ये 0 उसके आगे. ओके, तो एचसीएफ और एलसीएम कितना हो रहा है? 900. अब हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना होता है. तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 15 × 60, अरे सेम ही आ रहा है दोनों का. 15 × 60 नंबर्स भी सेम है. 15 × 6 = 90 और ये 0. So, दोनों भी प्रोडक्ट आंसर सेम आ रहे हैं. सेट 13 का एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. फिफ्थ प्रॉब्लम 78 and 104. 78 and 104, ये दोनों नंबर्स को कौन डिवाइड करेगा? दोनों यहां पर इवन है, इसका मतलब 2 ए कॉमन फैक्टर होगा. 2 यहाँ लिखेंगे. 2 × 3 = 6, 1 × 2 = 9, 18, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4. अब ये दोनों नंबर्स को कौन डिवाइड करेगा? यहाँ पर इवन है, यहाँ ऑड है, मतलब 2 के कोई चांसेस नहीं है. 3 के लिए 9 + 3 = 12, 3 से ये डिवाइड होता है. 5 + 2 = 7, 3 से ये डिवाइड नहीं होता है, मतलब 3 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा. 3 7 के टेबल में आता है क्या? 7 के भी नहीं आता है. उसके बाद नंबर कौन सा आता है? 11 का. 11 से होता है क्या? नहीं होता है. उसके बाद हम लोग देखेंगे 13. 13 दोनों में कॉमन आता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 13. 13 ही क्यों लिखा? क्योंकि 13 ये प्राइम नंबर है. हम लोग इस साइड सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लिखेंगे. तो 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52. अब इन दोनों में कोई कॉमन? ये तो कंसेक्यूटिव है. कंसेक्यूटिव में ओनली 1 इज कॉमन नंबर बिटवीन देम. तो वी विल स्टॉप हियर. एचसीएफ कितना लिखेंगे अभी हम लोग? एचसीएफ कहां से लिखना है हम लोगों को? इस साइड से. तो 2 × 13, इट विल बी 26. एंड व्हाट फॉर एलसीएम? एलसीएम कहां कौन सा लिखने का है? एचसीएफ वाले तो नंबर्स आएंगे साथ में, इधर के 2 आएंगे. तो 2 × 13 × 3 × 4 कितना होता है ये? 13 × 2 = 26 एंड हियर 12. तो 26 × 12, 12 × 6 = 72, 12 × 2 = 24, 24 + 7 = 31. 312. अभी हम लोग निकालेंगे HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है. Means 26 × 312. So we will calculate here, multiplied by 26. 6 × 2 = 12, 1 carry, 6 × 1 = 6 + 1 = 7, 6 × 3 = 18, 0. Then 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6, 2 × 11 = 1, 1, 6, 7, 8. So it will come as 8, 1, 1, 2. Now we will find the product of the given numbers.
सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, कौन से है अपने नंबर्स 78 और 104, इनका मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। 78 एंड 104 कितना होता है, 104 मल्टीप्लाइड बाय 78, 84 जा 32, 800 एंड 3 विल कम हियर, 81 जा 8, ओके 0 इज हियर, 74 जा 28, 2 इज कैरी ओवर, 700 2 विल कम डाउन एंड 71 जा 7, 2, 8 plus 3, 11, 1, 1 and 1, 8. So, product of numbers 8112, 8112, और LCM और HCF भी हमारा 8112 ही आ रहा है। Now we have completed three methods of finding LCM and one more concept, that product of two numbers is equal to HCF and LCM. Thank you.